हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है स्प्लेंडर की, मतलब कि स्प्लेंडर को इलेक्ट्रिक, स्प्लेंडर नहीं सॉरी, स्प्लेंडर को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया है इन्होंने। तो जरा देखते हैं कि उसके अंदर इनको क्या वो पेशा है। हमने एक ऐसी ही एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर बाइक पूरी बनाई थी एक बंदे ने, लकड़ी से बनाई थी। तो वो भी एक बड़ा करिश्मा था इंडिया के अंदर। एक ऐसी इंडस्ट्री अगर घर में बैठ के लग रही है, कोई ऐसी लगा सकता है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है। ऐसी देखते हैं इन्होंने एक तजर्बा किया है स्प्लेंडर को इलेक्ट्रिक स्प्लेंडर बनाया। तो इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्प्लेंडर, और ये टैग बर्नर का जो है लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चले पहले देखते हैं हो क्या रहा है, उसके बाद उसके ऊपर रिव्यू करते हैं। आज हम इस स्प्लेंडर को इलेक्ट्रिक स्प्लेंडर में कन्वर्ट करेंगे, लेट्स गो। हमने अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक वाहन ट्राई कर रखे, टेस्ला, ऑडी ई-ट्रॉन, यहाँ तक इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक साइकिल भी, बट आज इलेक्ट्रिक स्प्लेंडर की बारी है मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन है कि भाई या तो एक नॉर्मल बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट करने का कोई फायदा है, या फिर डायरेक्ट नई इलेक्ट्रिक बाइक ही ले लो ना। बड़े सारी परेशानियों का सोल्यूशन ले आई है इलेक्ट्रिक स्प्लेंडर एक कंपनी इंडिया में। उन्होंने एक नॉर्मल स्प्लेंडर को इलेक्ट्रिक स्प्लेंडर बना दिया, और खाली बाइक नहीं अलग अलग गाड़ियों को भी कन्वर्ट कर रखा भाई। इस कंपनी का नाम है गोगो एवन, और इनके ओनर से हमको बात करके पता चला कि भाई इस बाइक को कन्वर्ट करने में 80,000 से 90,000 रुपए खर्च आता है। इसको ट्राई करने के लिए निकल पड़ी है हमारी टीम मुंबई के लिए। हम टाइम से पहले पहुंच गए और स्प्लेंडर को अभी भी 6 घंटे लगेंगे। अब लग रहा भाई समय से लड़ना ही पड़ेगा, और हमारी फ्लाइट है शाम को 8 बजे की। तब तक आप लोगों को और भी तगड़ी तगड़ी चीजें दिखाते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले ये अलग सी दिखने वाली गोकीमी को ट्राई करेंगे। ओ भाई इतने सारे कबूतर, डर लग रहा है। इसको देख के लग रहा साइकिल और बाइक के बीच में प्यार मोहब्बत होगी, उससे बनी। यूजुअली कार के ऊपर एक सनरूफ लगता है, इसमें पूरी सन ही है भाई, रूफ है ही नहीं। पूरी बाइक भाई हैंडल की तरह, इंडिकेटर, हॉर्न, बटन सब दे रखा। इसमें राइट साइड में ऑन का बटन, चाइनीज में सब्सक्राइब लिख रखा भाई, एकदम साइकिल वाली फील आ रही है। ज्यादा कुछ समझना है तो पेडल मार के निकल जाओ। पेडल मारते मारते बीच में अटक गया, पर बैटरी से आराम से चल गई। सार तक भाई का भी काफी मन कर रहा था भाई बाइक चलाने का। मस्त अपना कबूतर भाई की एंट्री मारी है बीच में भाई, बिल्कुल मजाक नहीं। इसमें सुपर कार वाली फील आ रही है, सारे बंदे मुड़ मुड़ के देख रहे भाई। ब्रेक मारते टाइम थोड़ी सी दिक्कत मेरे को फील हुई, क्योंकि ब्रेक मारने पे लेफ्ट की तरफ हल्की हल्की जा रही है गाड़ी। तो भाई कैसा लग रहा है? भाई मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, जैसे कि आपको पता है मैं बहुत हैवी ड्राइवर हूँ। दिल्ली में मिलते हैं। गोकीमी को ट्राई करने के बाद एक्टिव और स्प्लेंडर दोनों को ट्राई करें, और इसके लिए हम पहुंच चुके हैं फैक्ट्री। पर वहां जाके पता चला भाई 3 घंटे और लगने वाले, और हमारी फ्लाइट है 8 बजे की। मेरे को डर लग रहा हम देख भी पाएंगे कि नहीं भाई। ये क्या कर दिया? ओहो, सारे पुर्जे खोल दिए, इंजन एक तरफ, सीट दूसरी तरफ, पूरा ऊपर से नीचे खोल दिया। स्कूटी जब तक बन रही है तब तक आर्मी बाइक और ऑटो भी देखते हैं। ये तीसरी बाइक है, इसका नाम है आर्मी बाइक। आर्मी बाइक पापू जो आर्मी बाइक क्यों रख देना, क्योंकि आर्मी वालों को एकदम शांत बाइक, जो मजबूत हो, सामान उठा पाए, बढ़िया चल पाए, पहाड़ों में मस्त चले। ये बाइक बहुत ज्यादा भारी, मतलब जॉन इब्राहिम जी भी शायद ना उठा पाए, पर मैंने उठा ली। ये सामने एक चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, और आगे ये जो रेड बटन है, दबा दिया, आगे बोलो। नहीं दबाना था। यहाँ पे जो गाड़ी है ये थोड़ी सी दिखने में अलग है, स्पेशली मतलब मिलिट्री के लिए इन्होंने बना रखा था ये। इसका बैटरी भी देख सकते हो, ये आपको पूरा पूरा लगभग 70 से 75 किलोमीटर के बीच में रेंज दे देगी। इस बाइक को चलाने के लिए आपको एक्चुअल लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, और इसमें हेलमेट वेलमेट सारे रूल्स फॉलो करना। ये गाड़ी रुक क्यों गई? लग रहा बैटरी आउट, बट हमने लगा ली भाई, दूसरी गाड़ी की बैटरी लगाई इसमें, और फिर निकल पड़े चलाने भी। भाई बिल्कुल मक्खन जैसी स्मूथ फील आ रही है। ये देखो भाई अपना खड़े होकर बता रहे, उनको चलाने बहुत ही कंफर्टेबल लगी। जो पीछे बैठा है ना उसको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा अगर कोई जर्क वगैरह आता है तो। सस्पेंशन काफी अच्छा है, तो मैं बता दूं सीक्रेट है, किसी को पता नहीं था, लेकिन आप लोग क्या ही छुपाना, धूम 10 के लिए हम ऑडिशन दे रहे हैं भाई। ऑटो की भी टेस्टिंग करेंगे, काफी ज्यादा मजा आएगा, लेट्स गो। अरे भैया हमको छोड़ के निकल गए, खुद ही टेस्टिंग करने निकल गए, अब निकल पड़े हैं भाई मुंबई दर्शन करने। यार इलेक्ट्रिक ऑटो रेड करने में ऐसा लग रहा है चीख रहा है। सातक भाई मैंने देखी भी थी, अच्छा दिखने में तो नॉर्मल ऑटो है, लेकिन इससे ना इंजन निकाल दिया गया है, और पीछे आप देख सकते हो बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे कितना पैसा बनेगा का बटन है बाइक की तरह, ये जो दिख रहा है यही बैटरी है। आदमी को ऑटो ही जो ऑटो चलाने के बाद एक्टिवा हमारी होगी, एक्टिवा को भी ट्राई करते हैं भाई। भाई हमारे हो चुके हैं रेडी चलाने के लिए, पर जैसे ही बैठे स्कूटी पे, स्कूटी ने अपने आप मना कर दिया, हमको उतार दिया भाई, और पूरे सेफ्टी के साथ चला रहे हैं भाई। और ये क्या है अंकल, क्या क्या कर रहे हो यार, सामने से कहां से आ गए? एक्टिवा, गोकीमी, ऑटो सब मस्त है, पर भाई असली एक्साइटमेंट है इलेक्ट्रिक स्प्लेंडर की।
भाई ये तो बिल्कुल नॉर्मल स्प्लेंडर लग रही है, कोई क्लच नहीं है, कोई इंजन नहीं है, कोई गियर भी नहीं लगा रखा। भाई आप बोलो राहुल भाई कैसी लगी? तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ही इंजन निकाल दिया बाइक का। मेनली इन्होंने तीन मोड्स लगाए हुए हैं, ये हो गया लो पावर मोड, ये हो गया आपका मीडियम मोड और ये हाई पावर मोड। तो अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। और ये जो बस बैटरी है ये पूरा ही वाटर रेजिस्टेंट है। इसका जो टॉप स्पीड आता है वो 75-80 के बीच आता है और बहुत ही तेज भागती है, मतलब तुरंत ही पिकअप ले लेता है ये। 100-150 किलोमीटर का इसका रेंज होता है बैटरी का। बिल्कुल ऐसी फील आ रही है कि भाई बाइक को स्कूटी बना दिया है भाई, बस एक्सेलरेटर दबाओ और मस्त गेड़ी मारो। स्प्लेंडर भाई इमोशन तो, इतने सारे लोगों की पहली बाइक थी, सबने इस पे चलाना सीखा। जो बैटरी भी है वो निकल जाती है भाई, फोन की तरह आप इसको चार्ज कर सकते हो। बाइक स्टार्ट करने में आवाज ही नहीं आ रही भाई, बिना आवाज के मजा ही नहीं आ रहा यार, हम मुंह से आवाज निकालेंगे। हम बिना गियर चेंज करे निकल पड़े हैं भाई, क्या मस्त अपना लेफ्ट राइट। जैसा कि आप देख सकते हो अगर हम ऐसे चलाएं तो ये नॉर्मल बाइक की तरह आगे जाएगी, पर यहाँ पे एक स्विच है, इसको अगर आप लेफ्ट में दबा दोगे तो ऐसे पीछे को चलने लगेगी। बाकी सब कुछ नॉर्मल बाइक की तरह ही, यहाँ पे हेडलाइट्स के स्विचेस हैं और यहाँ पे इंडिकेटर है, यहाँ पे हॉर्न है और ये पता नहीं क्या चीज। यहाँ पे एक चीज कर सकते थे कि ये पूरी जगह खाली है क्योंकि पेट्रोल नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हेलमेट रखने का एक स्टोरेज टाइप बना सकते थे। स्पीड आप देख सकते हो 500 किलोमीटर पर आर पे चल रही है, मीटर ही टूट के निकल गया है। हमको मिल गए नॉर्मल स्प्लेंडर वाले भैया। आप नॉर्मल स्प्लेंडर चला रहे हो, एक बार देखो ये कैसा लग रहा है। चला के तो भैया निकल गए घूमने। नॉर्मल से इलेक्ट्रिक में क्या फर्क है, कैसा लगा चला के इसको? स्मूथ लगा। तो भाई हमारे पास दोनों स्प्लेंडर आ गए, एक नॉर्मल स्प्लेंडर और एक आपका इलेक्ट्रिक स्प्लेंडर। तो देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस है और इसमें इसको क्या खास बनाती है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ही एक इंजन का पार्ट लगाया हुआ है और एक टूल बॉक्स आपको मिल जाता है, जो कि इसमें आपको एक सिर्फ बैटरी मिलती है यहाँ पे, और इसका जो प्रॉपर मोटर है 2 किलोवाट का वो ये पीछे लगा हुआ है और इसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं मिलता आपको। भाई चला तो लिया, अब लेके जाएंगे हम इसको पेट्रोल पंप। पोपट बनाना भी तो जरूरी है मेरे दोस्त। उसमें तो आता ही नहीं। इस इलेक्ट्रिक स्प्लेंडर में 70-75 किलोमीटर की रेंज आती है, बहुत स्मूथ चल रही थी, मजा आ रहा था। तो भाई सारी गाड़ियों को ट्राई करने का मुद्दे की बात आते हैं, क्या नॉर्मल गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का फायदा है? सबसे पहली चीज तो आपका पेट्रोल का खर्चा पूरा बच जाएगा, बस आपको चार्जिंग के पैसे देने, चार्जिंग सस्ती होती है, इंडिया में बढ़िया भी रहेगा भाई, पोल्यूशन भी कम होगा, रिसोर्सेज भी कम लगेंगी। बट मेरे को एक चीज फील हुई कि इसको कन्वर्ट इलेक्ट्रिक करने का थोड़ा सा स्मार्ट फीचर अगर आ जाता, स्क्रीन भी लग जाती है तो और मजा आता। बट अगर आप कन्वर्ट करने की सोच रहे हो, दो तीन चीजें बता दो, ये कॉन्सेप्ट अच्छा हो सकता है अगर फ्यूचर में कॉस्ट कम हो जाए, जितने में आप कन्वर्ट कराओगे उतने में एक नई इलेक्ट्रिक बाइक आ जाती है। इसको कन्वर्ट कराने में 1.5 लाख रुपए लगते हैं, 1 लाख में आ जाती है नई बाइक। और ये ऐसा ऑप्शन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और लोगों को डर भी लगेगा, पुरानी बाइक को कन्वर्ट कराना पता नहीं सेफ रहेगा कि, बट ओवरऑल भाई हमको तो काफी ज्यादा मजा आया। स्प्लेंडर के अलग ही मजे थे यार, उसको चलाया प्यार से, जूम जूम जूम, थोड़ा फीलिंग ली और भाई फाइनली हमने एंड में अपनी फ्लाइट भी पकड़ ली थी। लाइक करना वीडियो को, बाय। बेसिकली ये पेट्रोल का इतना खर्चा बच जाएगा ना, तो फिर लोग जो है ना कहते हैं कि नहीं भी मैं अपनी ही गाड़ी को जो है वैसा करवाना चाहता हूँ, और फिर इसके अंदर फिर दूसरी तरफ ध्यान देंगे। असल में इस मैकेनिज्म का इतना खर्चा है और इतना ही मेंटेनेंस आ जाती है, गाड़ी को अगर लें तो उसका ऑयल चेंज आपको अलग करवाना है, फिर आपको जो है वो पेट्रोल अलग डलवाना है, फिर कोई मसला आ जाए तो इंजन का वो अलग है, बहुत फटीक है। ये जो है ना ये बिल्कुल सॉल्व कर देगी, ये सारे मामला सॉल्व कर देगी, बल्कि जो फटीकें अगर आती भी है ना मोटर की वो आदमी खुद सीख लेगा और घर में ही कर लिया करेगा, बस फिर सिर्फ सस्पेंशन वगैरह का काम रह जाएगा जो कि आप करवाएं किसी मैकेनिक से, फिर वो भी लोग घर में ही सीख लिया करेंगे, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा। इसमें आदमी फिर जो है ना बहुत आजाद हो जाएगा, बहुत ही आजाद हो जाएगा, फिर ध्यान कहीं और दे सकेगा अपना। ये पूरा एक समझ लेना कि थिएटर ऑफ ऑपरेशन शुरू हो जाता है, आप बाइक लेते हैं उसके बाद उसकी मेंटेनेंस का थिएटर ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत ही अलग ही होता है। फिर गाड़ी के अंदर भी सेम यही चीज है कि एक अलग से एक जो है ना वो खुला हुआ होता है कि हम हाज के उसको आपको करना है और वो उसके साथ आया पैकेज है उसका, तो उससे जान छूट जाएगी, तो ध्यान आप अपने वर्क पे दे सकते हैं और 10 चीजों पे दे सकते हैं, अपने रिलेशनशिप पे दे सकते हैं, 10 चीजों पे दे सकते हैं। तो और कॉस्ट इफेक्टिव भी है बहुत, पेट्रोल का इतना खर्चा आ रहा है तो फिर आदमी उसके अंदर कुछ चेंजेस भी करवा सकता है, LCD स्क्रीन लगवा ली, ये कर दिया, वो कर दिया, फला कर दिया, कर दिया, लाइटें लगा ली, कुछ ऑटोमेटिक कर दिया, तो सारी चीजें अभी होंगी, अभी आहिस्ता करके ऊपर आ रहे हैं ना, तो ये अभी देखें आहिस्ता ये पूरी इंडस्ट्री अलग ही होने वाली है। और फिर सोलर पे आ जाएगा आखिर में, ये होगा कि सोलर पे चार्ज हो रही होगी, फिर वो फिर इलेक्ट्रिक जो है ना वो भी उसकी भी मसला नहीं होगा, बस थोड़ी देर कहीं खड़ा कर दें बैठ जाए, फिर वो टाइम देख लें, हाँ भी चलो अब निकलते हैं, ये होगा, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा होने वाला है। चले गाइस अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई चीज़ बुरी लगी तो माफ कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू।